तो आज की बात, आज वीडियो राइड का नहीं आएगा जो श्रीनगर से कारगिल तक का है। उसकी वजह है कि बहुत ज़्यादा थकान आई है और जो ज़िला पास की जो धूल थी और ठंड भी थी, हवा में नमी थी और बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। आज पहुंचा हूं कारगिल और जैसे ही पहुंचा तो फ्रेश हुआ और फिर आपके सामने आया फौरन। अपडेट एक छोटी सी है, मैंने बताया था पिछले छोटे से वीडियो में कि लद्दाख आने के लिए RT-PCR कंपलसरी है। जब मैंने RT-PCR करवाया श्रीनगर में और फिर मैं कारगिल के लिए निकला, जब लद्दाख रीजन शुरू होता है वहाँ पे रोका गया और रोकने के बाद में देखिए कैसी लाइनें लगी हैं लोगों की। और फिर लाइन में जब लगते हो आप, तो मैंने जैसे RT-PCR का रिपोर्ट मोबाइल पे जाके उनको दिखाया तो उन्होंने कहा ठीक है आपने करके लाया है RT-PCR रिपोर्ट, मुझे पता है, तो आप फिर भी आपको जाके एंटीजन करवाना ही पड़ेगा। तो एंटीजन उन्होंने वहाँ पर भी करवाया। जब एंटीजन का रिजल्ट फौरन आ जाता है तो एक रिसीट दी छोटी सी मेरे को और कहा कि आप लेह में जा सकते हो और अगर आपको कोई रोकेगा तो आप रिसीट ये दिखा दीजिएगा। वहाँ पे फ़ोन नंबर लिया, गाड़ी का नंबर लिया, नाम लिया। अब इसके बाद में जब वहाँ से और आगे आते हैं तो और एक चेक पॉइंट लगता है, वहाँ पे वो रिसीट चेक की जाती है और चेक करने के बाद में आपको छोड़ दिया जाता है। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे ऐसे थे जो कह रहे थे कि हम लोग एयरपोर्ट पर भी एंटीजन करवा के आए हैं और यहाँ पर आके भी RT-PCR करवाया है, एयरपोर्ट पर भी सॉरी RT-PCR करवा के आए हैं, लेकिन लद्दाख का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है वो कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस है वो ये कहती है कि आपको लद्दाख के अंदर एंटर करते वक्त अगर आपके पास RT-PCR रिपोर्ट है तो सिर्फ आपके थ्रोट में डाल के चेक किया जाएगा एंटीजन, और अगर आपके पास RT-PCR रिपोर्ट नहीं है तो आपके नोज़ के अंदर भी और थ्रोट के अंदर भी दोनों तरफ से डाल के अलग से एक एंटीजन कराया जाएगा, और जब वो कराया जाएगा तो उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा उसके बाद में आपको एंट्री या फिर आपको रोक सकते हैं। तो ये छोटी सी अपडेट है, वहाँ मैंने छोटा सा शूट किया था, वो आप देखिए, अपना ख्याल रखिए। सितंबर चल रहा है, आज 19 सितंबर की अपडेट है ये, अक्टूबर तक ही शायद मुझे लगता है अक्टूबर में भी ये सिस्टम रहेगा, उसके बाद तो बर्फबारी शुरू हो जाती है। तो इतनी सी अपडेट थी, देखिए वहाँ पे RT-PCR रिपोर्ट लेकर भी आए हैं फिर भी यहाँ पे एंटीजन किया जाएगा और एंटीजन करने के बाद में आपको यहाँ से रिलीज किया जाएगा। तो ये है फाइनल अपडेट लद्दाख रीजन में एंटर करने, आपको इस तरह से मिलेगा, ये रिसीट मिलेगी चेक करने के बाद में, इसको देना है चेक पॉइंट पे, और जब चेक पॉइंट पे आपको ये रिसीट देंगे तो उसके बाद में आपको लेह में किसी को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा ये लोग बता रहे हैं। पता नहीं लेह में जाके क्या होगा, और आपके पास RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट होगा फिर भी आपको यहाँ पे एंटीजन करना ही पड़ेगा।